मार के भगा दिया गया, अंदर किसी को नहीं जाने देता। कैसा व्यवहार है, इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन तो हो नहीं पाएगा। मैं हम लोग यहाँ परेशान हैं और लाठी चार्ज भी किया गया यहाँ पर। बिहार 15-20 साल पीछे हो जाएगा एजुकेशन के मामले में। जब पेपर वन ही नहीं सही रिजेक्ट हो गया तो पेपर टू कहाँ से आएगा। कट ऑफ ठीक है आप दिए हैं, लेकिन कट ऑफ पे जो लोग पास है उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं है, ऐसा क्या, इसका रीजन क्या है? शिक्षा विभाग उसने इंटरफेयर की, उसके बाद से ही ये घोटाला हुआ है। बीपीएससी शिक्षक का अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है आप जो बता दें कि बीपीएससी कार्यालय के पास मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, ऐसे में लेकर अभ्यर्थी जो उनके सामने ललित भवन के पास लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, क्या आप लोग मांगे हैं? सर मेरा जो है लैंग्वेज पेपर में जो है 86 नंबर आ रहा है, फिर भी मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, आखिर किस बिना पर मुझे किया गया? ये तो हमको अतुल प्रसाद बतलाया कि आंसर की आप जारी कर दिए, उसमें 86 नंबर आ रहा है, 86 नंबर है उसके बाद भी नहीं हुआ, 30 नंबर लाने का था 86 नंबर आ रहा है फिर भी हमको डिस्क्वालीफाई, आखिर क्या? हालांकि वो मार्कशीट भी मेरा सही भरा हुआ, सब कुछ सही भरा हुआ, फिर किस बिना पर मुझे किया गया? वो तो हमको जाहिर करेगा बतलाएगा अतुल प्रसाद। दूसरी बात है कि पेपर टू में मेरा 60 नंबर आ रहा, जब पेपर वन ही नहीं सही रिजेक्ट हो गया तो पेपर टू कहाँ से आएगा? लिहाजा मैं अतुल प्रसाद से, आप रहबर हैं, रहनुमा हैं, मतलब आपको सब जगह रिजल्ट हो गया लेकिन उसके बाद भी, उसके बाद जो है हमको जो है यानी हर एतबार से छांट दिया गया। लिहाजा मैं अतुल प्रसाद से, आप रहबर हैं, रहनुमा हैं, आप हर इसको सही से जाँच कीजिए ताकि हम लोग का जो है जो गरीब आदमी है उसका रिजल्ट सही से आए। कल कट ऑफ भी जारी किया गया। हाँ कट ऑफ भी जारी किया गया, EWS का जो है उसमें 50 कट ऑफ शायद के हैं, यानी 9-10 में है, और हम मेरा जो है 60 नंबर आ रहा, तो आराम से अगर दूसरी मरतबा भी जो जारी होगा लिस्ट उसमें नाम आ सकता, तो यहाँ तो पहले ही ये कर दिया गया, क्या होगा मुझे जो है? कहाँ से आए? मैं सहरसा से आया, बहुत परेशान हूँ। लिहाजा मैं अतुल प्रसाद से मांग करता हूँ कि हम मेरे रोल नंबर को दोबारा से जाँच किया जाए और फिर जो है पेपर। अच्छा अभी तो BPSC कार्यालय के पास कोई मिल नहीं रहे और पुलिस प्रशासन के वहाँ पे तैनाती कर दी गई है, वो मार के भगा दिया गया, अंदर किसी को नहीं जाने देता। अच्छा। तो कैसे अंदर जाएगा? पेपर लेकर के गया फिर भी जो वहाँ से निकाल दिया गया। मैं हम लोग यहाँ परेशान हैं और लाठी चार्ज भी किया गया यहाँ बगल में। ले कुछ और लोग उन लोग से बात करें, क्या आप लोग की समस्या है? समस्या ये है कि हम जो बिहारी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और जितने भी हमारे बिहारी भाई जो CTET क्वालिफाई हैं, जो BPSC क्वालिफाई हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, केवल अपीयरिंग का नौकरी दे रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नौकरी दे रहे हैं, जिनके पास नौकरी है उनको नौकरी दे रहे हैं, तो उनके मन में एक डर पैदा, जिनके पास नौकरी है उन्हीं को नौकरी मिल रहा है, बाकी लोग को बेरोजगार कर रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन तो हो नहीं पाएगा, आप अच्छी शिक्षा दे नहीं पाएंगे कि बस जो धारा चल रहा है वही चलता रहेगा। अतः मैं माननीय पदाधिकारीगण से अनुरोध करूंगा कि इन पर विचार किया जाए और जो पास किए हुए हैं उनको नौकरी दिया जाए। एक गड़बड़ी का मामला सामने आया, जूही कुमारी नाम के एक वो अभ्यर्थी हैं, समस्तीपुर में गए थे वेरिफिकेशन करवाने, तो उनके उस समय गड़बड़ी आया कि डेट ऑफ बर्थ में उनका, किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि ये सरासर घोटाला है सर। वास्तविक रूप से कहा जाए तो जिस तरह से परीक्षा हुआ हम लोगों का दिल खुश हो गया, हम लोगों को BPSC पे भरोसा था, लेकिन जब शिक्षा विभाग उसने इंटरफेयर की उसके बाद से ही ये घोटाला हुआ है सर। मैं कहना चाहूँगा कि इसको सुधार लिया जाए, नहीं तो हमारा बिहार 15-20 साल पीछे हो जाएगा एजुकेशन के मामले में। अच्छा, इतना मैं कहना चाहूँगा। आपका क्या मामला? हाँ जी सर, जैसा कि हम लोग पिछले रात देखे BPSC के द्वारा कट ऑफ जारी किया गया, उसमें बहुत सारे OBC का चाहे जो भी भिन्न भिन्न कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ है, कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट, इवन मैं भी हूँ, जो कट ऑफ मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 60 नंबर्स जो है वो पास करके भी मतलब अपने कैटेगरी में पास है फिर भी मतलब अनसक्सेसफुल, मतलब उनका रिजल्ट नहीं है, तो इसमें बहुत सारा रीज़न बताया जा रहा है, इट में भी हो सकता है अल्फाबेटिकल या डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हम आयोग से एक ही चीज़ कहेंगे कि देखिए इसमें अगर आप लोगों को नियोजित शिक्षक जब आप भर्ती देना ही था तो उसको इनको इसमें ऐड नहीं करता, उनको राजकर्मी का दर्जा ऑलरेडी आप बोले थे कि देंगे, तो फिर आप इसमें 80,000 बहाली में उसको क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए सबसे पहले बात नियोजित शिक्षक को बाहर करके और पूरी तरह से रिवाइज मतलब रिवाइज से आप रिजल्ट को ये प्रकाशित कीजिए, इसमें अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा और मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जहाँ तक आप बात करते हैं
तभी आपको सुधार आएगा। मान लीजिए आप नियोजित शिक्षक ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितने सारे बाहर पढ़ने वाले लोग हैं, इवन दिल्ली और कहीं कहीं से लोग शिक्षा लेके आ रहे हैं बिहार में पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि लोग बिहार वाले लोग के पास एजुकेशन नहीं है, है लोगों को दिखाने का मौका नहीं। देख लीजिए आप अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा मतलब एग्ज़ाम लिया गया, इसमें इतना बहुत बड़ा धांधली हुआ है जिसे कह नहीं सकते हैं। तो हम आयोग से यही कोशिश करेंगे, मतलब प्रार्थना करें कि वो हम लोग का जो है निष्पक्ष रूप में मतलब सही तरीके से हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करें। ये कल जो कट ऑफ जारी किया गया था उस पर सर्टिफाइड नहीं है? नहीं, कट ऑफ ठीक है आप दिए हैं, लेकिन कट ऑफ पे जो लोग पास है उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं है, ऐसा क्या, इसका रीजन क्या है? मान लीजिए आपका बीसी टू का है तो बीसी में आपका 60 नंबर का कट ऑफ दिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कट ऑफ को पास कर गए हैं फिर भी वो फेल्ड है, ऐसा क्यों? चलिए और कुछ लोग हम लोग से बात करेंगे, आपका क्या? मेरा नाम सुधीर कुमार है, हम सहरसा से आए हुए हैं। मेरा मामला यह है, जिस समय आवेदन हो रहा था उस समय कैटेगरी में मतलब मेरे पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था, और आयोग का ऐसा निर्देश था कि जो कैटेगरी का मतलब लाभ लेने के लिए आपको उसका नंबर और अपलोड करना होगा, तो मतलब इसमें हम कैटेगरी में हम अप्लाई नहीं कर सके। हमको तो मतलब ये देख लीजिए ये बना हुआ है, ये सर्टिफिकेट बना है, इसको हमको 6/10 को बना है ये सर्टिफिकेट। हम आयोग से यही कहेंगे कि हमको आरक्षण का लाभ मिले, हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। रिजल्ट हो गया? रिजल्ट नहीं हुआ है। 52 मेरा सही है, और मेरा एज लगभग 49 है और लास्ट है, इसलिए हम आयोग से कहेंगे जो मेरा स्वीकार कर लीजिए, चूँकि हम सही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं, और उसके साथ ही साथ अदर स्टेट के भी लोग हैं, उन लोग से बात करें, क्या समस्या है आपको? अब मेरी समस्या ये है कि जो कल बीपीएससी के द्वारा कटअप रिलीज किया गया था, उस कटअप को हम लोगों ने पार किया है, फिर भी वो कटअप पार होने के बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, और जबकि हम कैटेगरी में आते हैं, जनरल का कटअप इन्होंने जारी किया है 40 मार्क्स जो इंटरप्रेनरशिप का है, और उस मार्क्स से हम लोग का मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी हम लोग अभी तक वो सूची में नहीं आए हैं जो सूची में आना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को मिलना चाहिए, उस सूची में अभी तक मेरा नाम नहीं आया। बीपीएससी कार्यालय के पास जाने की कोशिश की है? बहुत कोशिश किया है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फोर्स हैं लगाए हुए हैं, जिस कारण से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे। कल जो कटअप जो जारी किया उससे सर्टिफाइड नहीं है? पहले तो कटअप नहीं जारी किया गया, तो हम सर्टिफाइड थे कि चलो मेरी मतलब एबिलिटी नहीं होगी वहाँ तक पहुँचने की। जब कल का कटअप जारी किया गया, तो जब कटअप जारी करने के बाद मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का महसूस होता दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, और अतुल प्रसाद जी से कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, और हम लोग को जो कटअप पार कर गया कम से कम उसको मौका दिया जाए। क्या आपका क्या सुना? सर हम मेरा यह कहना है कि जैसे डिसेबिलिटी जितना लोग दिव्यांग अभ्यर्थी उन लोग का कम से कम रिजल्ट दिया जाए, जो उन लोग का रिजल्ट ही नहीं आया ना कटअप आया है, तो उन लोग का किस तरह से, उन लोग क्या उन लोग बिहार के निवासी नहीं है या उन लोग कहीं दूसरे स्टेट का है, क्यों उन लोग का नहीं किया? साथ ही जो नियोजित शिक्षक है उन लोग को नियोजित को ही उस शिक्षा में फिर टीचर ने दोबारा बहाली दिया ज्वाइन दिया, और जो नीचे से सीट खाली हो रहा है उन लोग का फिर से वैकेंसी खाली रह रहा है, तो क्या बिहार का किस तरह से वो लोग शिक्षा के अधिक बढ़ावा दे रहे हैं या मतलब उस क्वालिटी को लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का नाम है। 2 तारीख को सरकार नियुक्ति पत्र बांटने वाली है, तो उसको लेकर क्या इस तरीके से? जैसे 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र बांटने वाली, तो उसमें कम से कम जो फिल्टर सही से लगाकर जो नियोजित शिक्षक है उन लोग को कम से कम हटाया जाए, साथ ही डिसेबिलिटी को रिजल्ट जारी किया जाए, कटअप उन लोगों को जारी किया जाए, कितना आया है, कितना उन लोग क्वालिफाई किया, और आखिर जब क्वालिफाई नहीं किया तो क्या रीजन से क्वालिफाई, हिंदी लैंग्वेज पेपर में मत ही किया, लैंग्वेज मेरा सही है, कटअप से अधिक मैं मार्क्स भी लाया फिर भी मेरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पहले उन लोग जारी का रिजल्ट डिसेबिलिटी का उसके बाद ही मत ही कर सकते हैं। सभी का अलग अलग समस्या जिस तरीके से देख रहे हैं, बीपीएससी कार्यालय के बाहर फोर्स की तैनाती कर दी गई है, और साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, और ऐसे में सचिवालय जो के DSP हैं वो सुधीर कुमार को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बता दें कि बीपीएससी कार्यालय के पास जो कहीं जब प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन उसके सामने ये लोग ललित भवन के पास हैं, ललित भवन के पास डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम लोग आवेदन देकर रहेंगे सरकार, वो आवेदन देकर रहेंगे बीपीएससी कार्यालय को, उसके साथ ही साथ जो हमारी बात है हमारी बात अतुल प्रसाद सुने,
क्योंकि बता दें कि जब से जो रिजल्ट जारी किए गए तब से लगातार गड़बड़ी का मामला सामने आ रही है। आज ही सुबह जो खबर आई समस्तीपुर में वेरिफिकेशन करवाने गए जोही कुमारी के नाम के लड़की, उनका जो है डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी आया है और उन्होंने जो सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। सहयोगी सर के साथ विवेक रंजन पटना। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।